guys, today we're going to laboratory for my blood test for my little brother and me. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लाइफ लैब, क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, इस वीडियो में मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी। लाइफ लैब मतलब ये लेबोरेटरी का नेम है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको पता चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब है यहाँ का। वाह दीदी, वाह दीदी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर जिसकी अपॉइंटमेंट होती है उसका नाम यहाँ पे स्क्रीन पे चलता रहता है। और मोस्टली कनाडा में लाइफ लैब के नाम की ही सारी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं, सभी का नाम एक ही है लाइफ लैब, प्राइवेट वालों का अलग होता है। हाँ जी, तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं लाइफ लैब में। जैसे कि हमने पहले अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी तो हम 10 मिनट पहले पहुँच चुके थे। अगर आप वर्क वीज़ा पर हो और या फिर पीआर हो तो आपको ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री हैं, जैसे कि लेबोरेटरी टेस्ट करवाना हो, एक्सरे करवाना हो और भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने सिर्फ एक फैमिली डॉक्टर बनाना है और आपको कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं देना, वो गवर्नमेंट पे करती है। यहाँ पे डेंटिस्ट और आँखों का जो इलाज है वो थोड़ा सा महंगा है और उसके लिए आपको खुद से पे करना होता है। अब हम वापस जा रहे थे तो आप देख सकते हो कि कितनी बारिश पड़ रही है। यही यहाँ का खासियत है कि वैनकूवर की, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। कुछ लोग बेसमेंट के किराए से बचने के लिए यहाँ पे पब्लिक स्टोरेज में अपना सामान वगैरह रख जाते हैं, थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है यहाँ पे। अगर जैसे कि कनाडा से बाहर जाना है थोड़े ज़्यादा समय के लिए, अपने अगर 6 महीने इंडिया में बिताने हैं तो ये पब्लिक स्टोरेज बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ क्या बोला तूने? हाँ जी गाइस, तो अब हम जा रहे हैं डॉलर ट्री में। वहाँ पे सारी चीजें एक $1.5 की मिलती हैं। घर जाना है। हाँ जी, हमने शॉपिंग डन कर ली है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हम घर की तरफ जा रहे हैं, बारिश ज़्यादा हो रही है तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दूँगा।